सर आप मराठी फिल्में देखते हैं? मराठी फिल्में बिल्कुल देखता हूँ, मैं देखनी रिसेंटली शुरू की हैं, रिसेंटली ही तो अच्छी फिल्में बननी शुरू हुई हैं। मराठी सिनेमा का रिवाइवल, इससे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहले मीनिंगफुल सिनेमा इसी जबान में बना है, सबसे पहले इस मुल्क में। और बीच में दादा कोंडके का भी फेज आया, वो भी झेल लिया, एंड मराठी सिनेमा हैज सर्वाइव्ड इट, दैट्स द ग्रेट थिंग। वो एक बीच में और भी एक कॉमेडीज, माइंडलेस कॉमेडीज बनने का वो फेज आया, थैंक गॉड इट्स ओवर। और मैं तो कब से ये चाह रहा हूँ कि ऐसा हो। सत्यदेव दुबे ने मराठी में बनाई थी शांतता कोर्ट चालू है 1969 में, जो उन्होंने खुद अपने पैसे से रिलीज भी की मेट्रो में, और बहुत बेहतरीन फिल्म है, आप आज भी देखें, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। तो दिस रिवाइवल इज टेरिफिक बिकॉज इतनी थिएटर एंड सिनेमा लिटरेट ऑडियंस मेरे ख्याल से हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं है जितनी महाराष्ट्र में। आपके बुक में मतलब अच्छा लगा कि जो फोटोग्राफ्स है तो उसमें सुलभा देशपांडे है, भक्ति बर्वे है, मोहन आगाशे है, बहुत सारे मराठी एक्टर्स जिन्होंने चंद्रकांत काले डॉक्टर लागू, क्योंकि ये सबसे महान एक्टर हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। सीधी बात है, लोग लगता है कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई जरूरत थोड़ी है, मैं चापलूसी करनी होती तो मैं दिलीप कुमार के बारे में ये बात कहता। हाल ही में कौन सी फिल्म्स देखी मराठी? रिसेंटली नहीं, साईराट वाज द लास्ट फिल्म आई सॉ, उसके बाद मैंने उससे पहले देखी है हाईवे, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उमेश की मैंने सारी फिल्में देखी हैं, एक में मैंने काम भी किया है, देउल। आई थॉट फंडरी वाज फैंटास्टिक, कोर्ट वाज प्रोबेबली द बेस्ट फिल्म एवर मेड इन इंडिया, इतनी सच्ची कमाल की फिल्म थी, एंड आई कुडंट बिलीव जिस तरह का अभिनय था उसमें। तो और यही बात मैं दोहराऊंगा, डॉक्टर लागू को मैंने जब पहली बार देखा, मैं फर्स्ट ईयर में था एनएसडी में, मेरी एक क्लासमेट थी ज्योति, उसने मुझसे कहा कि चलो एक मराठी नाटक देखने, मैंने कहा यार छोड़ो मैं नहीं देखता, चीज़ें नहीं तुम्हें आना पड़ेगा, यू हैव टू सी दिस एक्टर डॉक्टर श्रीराम लागू। 1970 की बात है, आधे अधूरे का मराठी वर्जन था जो सत्यदेव दुबे ने डायरेक्ट किया था, उसमें अमोल पालेकर भी थे और दीपा लागू भी थी और भक्ति बर्वे भी थी, और डॉक्टर लागू का भक्ति का भी परफॉर्मेंस बहुत कमाल का था उसमें, बट डॉक्टर लागूज एक्टिंग आई कुड नॉट बिलीव कि ऐसी एक्टिंग मैं इन लाइफ देख रहा हूं, दिस इज द ग्रेटेस्ट एक्टिंग आई हैव एवर सीन। उसके बाद उनके कुछ और डिसअपॉइंटिंग से नाटक मैंने देखे, बट आई फेल्ट द सेम थिंग अबाउट सुलभा देशपांडे जब मैंने शांतता कोर्ट चालू आए में उनका परफॉर्मेंस देखा, या भक्ति बर्वे का, या चंद्रकांत काले का बेगम बर्वे में। These are the greatest performances I have ever seen in my life. सूर्य पाहिलेला माणूस देखी थी? बिल्कुल देखिए, सूर्य पाहिलेला माणूस मैंने कॉलेज में किया है बाय द वे, मैंने डॉक्टर लागू को जाके बताया क्योंकि वो देख रहा था, मैं सडनली आई रियलाइज कि अरे ये तो आई हैव डन दिस प्ले। प्रोफेसर मुनीबुर रहमान जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने किया था डायलॉग्स ऑफ प्लेटो में से कुछ सिलेक्शन लेके, जिसमें मैंने अरस्तु का रोल किया। अच्छा। तो डॉक्टर लागू ने मुझसे अच्छा किया, वो और बात है लेकिन मैंने उनसे जाके कहा कि सर आई हैव डन दिस प्ले व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, तो वो ज्यादा खुश नहीं हुए सुनकर लेकिन वो देखा, दैट वाज द लास्ट उनका विच आई सॉ। उसके बाद जो उन्होंने एक नाटक किया वो मैं नहीं देख पाया, बट इट वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक।